नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ में हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। खबर सासाराम से है। सासाराम सदर अस्पताल में कोरोना मरीज के नाम पर फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। सामान्य रोग से मृत व्यक्ति को कोरोना से मौत बताकर फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम ने इसके लिए 4 सदस्यीय टीम जांच टीम गठित कर दी। मामले के बारे में बताया जाता है, 9 अगस्त 2020 को विजय प्रकाश नामक एक व्यक्ति की सदर अस्पताल पहुंचने के मात्र 15 मिनट के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद में कोरोना से मौत दिखाई दिए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सदर अस्पताल के एक डॉक्टर, एक ए ग्रेड नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक अन्य स्वास्थ्य कर्मी की मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। सासाराम के न्याय गांव के संजय कुमार नामक एक शख्स की शिकायत पर यह मामला सामने आया है। सामान्य रोग से मृतक को कोविड मरीज बनाकर मुआवजे की राशि में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार गोलमोल जवाब देते पाए गए। कहा, डीएम द्वारा जारी पत्र गठित कमेटी के बारे में भी जानकारी ले रही है। एक समाहरणालय से एक चिट्ठी आई है, जिसमें कि कुछ जांच करने का निर्देश दिया गया है। वो जांच शुरू कर दी गई है। जांच करने सर, किस तरह की चिट्ठी है ये? वो चिट्ठी में 4 सदस्य हैं और वो चारों हम लोग चिट्ठी को पूरा पढ़ने के लिए दिए हुए हैं बड़ा बाबू को, और उसमें जांच करने के लिए कहा गया है। जांच करके हम बताएं। जैसे सर, किस तरह का सामान्य मरीज के में कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया था उसको? वो पॉइंट भी उसमें मेंशन है, लेकिन वो आप जो बोल रहे हैं और वो जो क्या है वो पढ़ने के बाद पता लगेगा। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।